सोनाली का गोवा में निधन हो गया। पुख्ता कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित होगा। गोवा जाने से पहले सोनाली आदमपुर उपचुनाव को लेकर बेहद सक्रिय नजर आ रही थी। हल्के का दौरा भी कर रही थी तो साथ ही कई जनसभा भी कर चुकी थी। इतने बिजी शेड्यूल में वक्त निकाल वे गोवा क्या करने गई थी, ये बात सभी जानना चाह रहे हैं। एक दिन पहले ही सोनाली फोगाट गोवा के लिए रवाना हुई थी। उनके साथ उनके पीए सुधीर सांगवान भी थे। शायराना अंदाज में सोनाली ने लिखा था कि मेरी मेहनत का असर तो देख ए जमाने, जमीन जो खिसकाई उसके पैरों तले से, आसरा मांगने उसे मेरे ही दर पे आना पड़ा। कुछ समय पहले भाजपा नेत्री सोनाली ने ये लाइनें पोस्ट की थी। उन्हें आदमपुर की राजनीति से जोड़कर देखा गया क्योंकि कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई की भाजपा में एंट्री हो रही थी। इसके बाद सोनाली के तेवर और तल्ख हो गए। सोनाली ने कुलदीप को बधाई तो दे दी मगर साथ ही एक ये पोस्ट भी कर दिया कि शेरनी अगर दो कदम पीछे ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गई, बल्कि वो शिकार करने वाली है। इसके कुछ समय बाद ही कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट से मिलने पहुंचे थे। दोनों ने मतभेद खत्म होने की बात कही थी। सोनाली के गोवा जाने से पहले उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर बात की, तब उन्होंने बताया कि मैं जो कहती हूं सच कहती हूं, जो लिखा वो सामने आया, अपने अधिकारों को लेकर मैं आवाज बुलंद करती रहूंगी। उन्होंने कहा, मैं अपनी पार्टी की सच्ची सिपाही हूं, मुझे विश्वास है पार्टी मेरे बारे में जरूर सोचेगी, फिर पार्टी का जो निर्णय होगा स्वीकार रहेगा। भाजपा में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि हिसार आएंगे तो जरूर मिलेंगे। अब जब वो हिसार आए तो उन्होंने मुझसे मिलने का समय मांगा और मैंने फार्म हाउस पर आने के लिए कह दिया।